घूमड़ प्यारे भाई लोग, क्या तुम्हें पता है कि अपना अगला टॉप अप इवेंट क्या होने वाला है? क्या नहीं तुम्हें पता है कि आज रात 12 बजे के बाद अपने गेम के अंदर क्या कुछ न्यू आइटम अपडेट वगैरह आने वाले हैं? नहीं तो मेरे प्यारे भाई लोग, फिकर नहीं, तुम्हारा भाई आदित्य है ना तुम्हें बताने के लिए अगला डबल इवेंट क्या आने वाला है और टू नाइट अपडेट क्या आने वाला है भाई लोग। तो भाई लोग, मैं सबसे पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि भाई लोग, अपना कल वाला वीडियो का क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, उसके साथ ही साथ ऑडियो भी थोड़ा ख़राब हो चुका था उस वीडियो का, एंड उसके साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था, तब भी तुम लोगों ने उसमें सपोर्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद भाई लोग। देन भाई लोग, आज का जो वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, लेकिन ये वीडियो आप लोग को अच्छा क्वालिटी में ही देखने को मिलेगा एंड वॉइस भी आपका बहुत अच्छा होगा इसमें। देन भाई लोग, मैं तुम्हें बता दूँ आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि भाई लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अगला टॉप अप इवेंट के बारे में, देन उसके साथ ही साथ बात करेंगे अपना वैलेंटाइन विश इवेंट के बारे में, जो कि पक्का एक इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट अपडेट वगैरह इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से वॉच करना, और आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो भाई हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल वाले बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को इतना मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए कि मैं क्या ही बोलूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो मेरे भाई लोग तो वीडियो को लाइक कर लेना, और तुम लोग अभी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किए होगे तो जगह हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, और एफबी पेज पे फॉलो करने का जरूरत नहीं है, मैं एफबी पेज बंद कर दिया हूँ एंड तो जगह हमें इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर लेना सिर्फ। तुम सारे भाइयों ने ये सारे काम कर दिए तो देरी किस बात की है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड आज का कार्यक्रम। A few moments later. तो मेरे प्यारे प्यारे गोल्ड मेडल से भाइयों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपन लोग का जो न्यू ईवो बंडल आने वाला है उसके बारे में। तो तुम्हें मैं दिखा दूं अभी न्यू ईवो बंडल। तो भाई लोग, ये जो बंडल आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये अपना लोग का न्यू ईवो बंडल होने वाला है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मस्त लगा है, क्योंकि भाई लोग, मैं तुम्हें बता दूँ ये जो बंडल होने वाला है ना भाई लोग, बहुत ज़्यादा जहर होने वाला है भाई लोग। इसको तुम अगर पहन के लॉबी में गए तो पक्का है कि तुम्हें 10 या 20 लाइक ऐसे ही मिल जाएगा भाई लोग। ये बंडल बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई लोग, इसका एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, गरीना ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड ये जो टोकन टावर है तुम्हें पड़ सकता है बहुत ज़्यादा महंगा। तो भाई लोग, मैं तुम्हें बता दूँ इस टोकन टावर का डायमंड प्राइस तुम्हें वही 6 से 7 हज़ार डायमंड पड़ जाएगा। देन अभी मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो टोकन टावर इवेंट है इसमें टोकन टावर कुछ चेंज होकर आने वाला है। जी भाई लोग, इसका टोकन टावर कुछ चेंज होकर आने वाला है, कुछ ऐसा इसमें सीन होने वाला है कि भाई लोग मैं क्या ही बोलूँ। तो तुम्हें सबसे पहले मैं वो वाला दिखा देता हूँ कि कैसा सीन होने वाला है टोकन टावर के अंदर। तो भाई लोग, जो तुम लोग अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ और तुम्हारे लोग के स्क्रीन पे अब ये है, देखो तुम लोग यहाँ देख ही पा रहे हो, जो कि ये टोकन टावर इवेंट ऐसा कुछ होने वाला है। नीचे डायमंड प्राइस है, एंड उसके साथ ही बाजू में तुम लोग को देख रहे हो जहाँ से तुम लोग टोकन देके एक्सचेंज करते हो आइटम वगैरह को वो। तो भाई लोग, ये जो टोकन टावर है ना, मैं तुम्हें बता दूँ कि ये टोकन टावर अपने इंडिया सर्वर के अंदर जब आएगा ना, तो भाई लोग इसके लिए अलग एक सेक्शन हो जाएगा टोकन टावर के लिए, जैसे अपने ईबो बंडल आया था उसके लिए अलग सेक्शन था, तो ऐसे ही एक अलग सेक्शन भी हो जाएगा इसके लिए भी। बट गाइस, मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि भाई लोग, तुम्हें एक तुम्हें बी टी जेड इवेंट के बारे में मैंने जो कि बताया था कि 4 फरवरी को अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा बी टी जेड इवेंट। बट गाइस, उसका बी टी जेड इवेंट को चेंज करके उसका टाइम पोस्टपोन कर दिया गया है, कुछ उनको करीना वालों को कुछ ऐड करना था बी टी जेड इवेंट अंदर, इसलिए उन्होंने टाइम को पोस्टपोन कर दिया, आई मीन डेट को पोस्टपोन कर दिया है। तो वो कब तुम्हें बी टी जेड इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा उसका एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूँ या तुम्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँ, वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है ना। देन बढ़ते हैं आगे, अपन लोग बात करेंगे अपन लोग का न्यू फिटेड व्हील के बंडल के बारे में। तो चलते हैं अपन लोग न्यू फिटेड व्हील के बंडल की तरफ अभी। तो गाइस, ये जो बंडल आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये बंडल जो होने वाला है, ये होने वाला अपना नेक्स्ट फिटेड व्हील का बंडल, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम बंडल है। मेरे को तो बहुत ज्यादा ये भी बंडल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ये बंडल जो है ना भाई लोग, तुम्हें 900 या 900 से ज़्यादा 1000 डायमंड के अंदर ले लो, 1000 डायमंड के ही अंदर तुम्हें ये वाला भी बंडल मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि भाई लोग, अपन लोग 6000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 900 ही डायमंड में हमें ये वाला बंडल मिल जाए, ऐसा ही है भाई लोग। बहुत ज़्यादा अच्छा फेडेड विल मेरे को ये वाला लगा है, तुम लोगों को कैसा लगा ये वाला फेडेड विल हमें कमेंट करके जरूर से बताना भाई लोग। ये फेडेड विल मेरे को बहुत ज़्यादा ऑसम एंड मस्त लगा है, अभी तक के बंडल में सबसे बढ़िया बंडल मेरे को यही लगा है। एंड ये टोकन टावर वाला बंडल तो है ही, लेकिन ये वाला बंडल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, अगर मैं निकालूंगा तो ये वाला बंडल पक्का से निकाल सकता हूँ, लेकिन अपन लोग गेम के पीछे उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं तो नहीं निकालने वाला, तुम लोग भी मत निकालना अगर तुम लोग टॉप अप नहीं करते हो। तो अगर तुम लोग टॉप अप करते हो तो कोई बात नहीं, निकाल सकते हो, तुम लोग अगर तुम लोग टॉप अप नहीं करते हो तो
नेट निकालना कोई फ़ायदा नहीं है गेम में पैसा खर्चा करके, ऐसे ही खेलो, बहुत ज़्यादा फ्री का भी आइटम तुम्हें मिलेगा। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मेरा पहले से बन के रेडी है, तो वो वीडियो तुम्हें अपना कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारे वीडियो के ही अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर वो वीडियो को भी वॉच कर लेना जरूर से भाई लोग। देन बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अपन लोगों का नेक्स्ट कन्फर्मेशन इंक्यूबेटर के बारे में। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहा था इस मंथ की तुम्हें क्रिमिनल भंडल का इंक्यूबेटर देखने को मिल जाए, बट गाइस ऐसा नहीं होगा। तुम्हें ये जो ग्रोजा का इंक्यूबेटर देख रहे हो ना, ग्रोजा का जो गन का इंक्यूबेटर होने वाला है, ये तुम्हें अपने इंडिया सर्वर के अंदर पक्का से कि 8 फरवरी को अपने गेम के अंदर जरूर से तुम्हें ये वाला ग्रोजा का स्किन देखने को मिलेगा। तो भाई लोग तुम्हें ये ग्रोजा का स्किन कैसा लग रहा है तुम्हें हमें कमेंट करके जरूर से बताना भाई लोग। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ग्रोजा का स्किन, तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। क्योंकि ये ग्रोजा तुम्हें अच्छा लगा होगा क्योंकि ये लेजेंडरी ग्रोजा एंड इसका ग्रोजा का मेरे को इसका स्किन में बहुत ज़्यादा काम किया गरीना वालों ने। बट गाइस मैं तुम्हें बता दूँ कि अपन तो चाहते थे पहले से ही कि अपन को ये ग्रोजा का स्किन मिले, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि क्रिमिनल बंडल रिटर्न आए। तुम लोग चाहते हो या नहीं हमें कमेंट करके जरूर से बताना। बट गाइस क्रिमिनल बंडल जो है लोग तुम लोग को रिटर्न देखने को मिल सकता है इसी मंथ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाए और क्रिमिनल बंडल रिटर्न आ जाए, तो क्रिमिनल बंडल का रिटर्न बैक आने का चांस 5% है एंड 95% चांस है कि ग्रोजा का इंक्यूबेटर तुम्हें गेम के अंदर देखने को मिल जाए। तो भाई लोग मैं जैसे कि बोला कि इंक्यूबेटर ना आए मैं चाहता हूँ, क्योंकि भाई लोग तुम लोग देखो, तुम लोग को मैं एक बात बताता हूँ। अभी अगर सोचो इंक्यूबेटर आ गया, तुमने क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर निकाल लिया, क्या तुम्हें वैसा मजा आएगा जैसे कि तुम पहले आता था, जो बंदे पहले पहन के खेलते थे वैसा कुछ मजा आने वाला है तुम लोग को? तो अभी हाँ, सबके पास ही क्रिमिनल बंडल रहेगा और तुम्हारे लिए रेयर क्या है, तो रेयर फ्री का आइटम है। जैसे कि अपना गोल्ड रीच करते हो तो तुम्हें जो जर्सी मिलता है, या हीरोइक रीच करते हो तो तुम्हें जर्सी मिलता है, वो क्योंकि वो हमें मेहनत से मिला है भाई लोग। जी भाई लोग, अपन लोग को मेहनत से मिला है। तुम्हें जो करना है तुम लोग करो, या तुम लोग ग्रैंड मास्टर पुश करो, ये सब जगह पुश करो, तो ये एक अच्छा है ना कि तुम लोग गेम में टॉपअप करोगे तो तुम्हारा अकाउंट प्रो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग। मैं जैसे कि मैंने बता दिया, क्योंकि भाई लोग बताना ज़रूरी था, मेरे ऑडियंस जितने भी है उनको बता दिया मैं कि भाई लोग टॉपअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। देन भाई लोग बढ़ेंगे आगे एंड बात करेंगे अपन लोग का न्यू जो आर्ट्स का स्किन है, जैसे कि हम लोग हल्क बोलते हैं उसे प्यार से, लेकिन अब मुझे उसका नाम पता चल गया, उसका नाम अर्स है। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपन लोग का न्यू आर्ट्स का स्किन के बारे में। तो भाई लोग ये जो स्किन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो ये न्यू आर्ट्स का स्किन होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है भाई लोग। क्योंकि इसका जो स्किन है भाई लोग तुम खुद ही देख पा रहे हो, इसमें कितना ज़्यादा भाई लोग इसमें कितना ज़्यादा ये एनिमेशन दिया गया है, गरीना ने कितना ज़्यादा एनिमेशन दिया इस वाले एक आर्ट्स के स्किन को, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आर्ट्स है। तुम्हें मैं एक और आर्ट्स का स्किन है जो कि मुझे ठीक ठाक सा लगा है, अच्छा तो नहीं है उतना, तब भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मतलब ये गोल्फ का आर्ट्स का स्किन है, मतलब तुम्हें कैसा लगा ये आर्ट्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ये वाला को तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे भी बताया, मेरे को भी तो अच्छा लगा नहीं था। देन भाई लोग ये सब छोड़ो, बढ़ते हैं आगे एंड बात करेंगे अपन लोग को न्यू वैलेंटाइन डे इवेंट। तुम्हें तो पता है कि मैंने बताया था वैलेंटाइन इवेंट में एक विश इवेंट भी आने वाला है। तो भाई लोग मैं तुम्हें बता दूं कि उसका जो है वैलेंटाइन विश इवेंट का, उसका कंफर्मेशन डेट भी निकल चुका है एंड बंडल भी निकल चुका है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा तो ये फीमेल का बंडल, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक ठाक सा मेरे को लगा है भाई लोग। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये वाला बंडल, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से बताना। देन भाई लोग मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो इवेंट होने वाला है, ये 7 फरवरी को अपने गेम के अंदर आने वाला है। तो भाई लोग ये विश इवेंट है एंड इसके अंदर तुम्हें फ्लावर ऑफ लव का भी इमोट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है भाई लोग। ये इमोट बहुत ज़्यादा रेयर है, तुम लोग को तो पता ही होगा ये इमोट के बारे में। तो भाई लोग ये इमोट भी बहुत ज़्यादा सही था, तो गरीना ने इसे भी रिटर्न कर दिया, तो मज़ा आने वाला है इस बार के विश इवेंट में, वैलेंटाइन विश इवेंट के अंदर। तो भाई लोग देन भाई लोग मैं बढ़ूंगा आगे एंड बात करूंगा अपन मेल के बंडल के बारे में। तो भाई लोग ये जो बंडल है भाई लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मस्त मज़ा आया होगा देख के भाई लोग, कैसा लगा ये बंडल हमें कमेंट करके जोर से बताना। देन अभी पढ़ेंगे आगे एंड बात करेंगे अपन लोग का नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट के तरफ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भाई ने बोला तो इसका मतलब करने का, वीडियो को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेने का। देन बढ़ेंगे आगे एंड बात करेंगे अपन लोग का नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट के तरफ। तो भाई लोग जो अपना नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट बहुत ज़्यादा कंफर्म है, मेरे को लग रहा है कि अपना जो BTZ इवेंट आने वाला उसी का कुछ आइटम आए, तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फर्म था। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये वाला दिखा देता हूँ कटाना का स्किन। तुम्हें ये कटाना का स्किन अच्छा लगा या नहीं मुझे कमेंट करके जोर से बताना भाई लोग। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कटाना का स्किन एंड ये अपना नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट हो सकता है, इसका पॉसिबल चांसेस बहुत ज़्यादा मेरे को
लग रहा है नेक्स्ट टॉपअप इवेंट का, देन भाई लोग बढ़ेंगे आगे एंड बात करेंगे ये ग्लूबल का स्किन भाई लोग, ये भी तुम्हें अपना नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई लोग बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये ग्लूबल का स्किन तुम्हें अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाए। ये दोनों में से एक ग्लूबल का स्किन तुम्हें बिल्कुल से देखने को मिल जाएगा अपने गेम के अंदर, क्योंकि भाई लोग अपना जो बी टी जेड इवेंट है उसी का बेस्ट पे आने वाला है टॉपअप इवेंट, क्योंकि तुम लोग को पता है कि अपना जो फेडरेट व्हील या कुछ भी आता है उसी का बेस्ट में अपना टॉपअप इवेंट पे आता है, तो बी टी जेड इवेंट आने वाला है गेम के अंदर तो उसी के बेस में तुम्हें ये टॉपअप इवेंट देखने को मिल जाएगा। देन उसके साथ ही साथ वैलेंटाइन डे इवेंट वाला तुमने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, वीडियो जाके देख लेना या तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, या तुम्हें हमारे आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो जाके कहीं से भी देख लेना जाके वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।